वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहां पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की थर्ड यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज यहां पर देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ करियर प्लानिंग क्या होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय। देखो इसमें एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी के इंटरनल करियर की अपॉर्चुनिटी एक एम्प्लॉय को पता होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ खड़ा है, उसे कहाँ जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में उससे आगे कौन है एंड कॉर्पोरेट सीढ़ी को कैसे चढ़ना है, ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को पता होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को ये हेल्प मिलती है कि वो अपने करियर के गोल को सेट कर सकता है एंड आगे अगर कोई कदम उसको उठाना है तो वो सही कदम सही स्टेप अपनी लाइफ में या करियर में ले सकता है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय करियर प्लानिंग में। अब सेकंड है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डिसीजन को सिस्टमैटिकली कर सकता है, सिस्टमैटिकली बता सकता है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चैंपियन है, मतलब कोई बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई चैंपियन एम्प्लॉय है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक अरेंज कर सकता है, कोई स्लो मूवर्स एम्प्लॉय है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, या अगर कोई मान लो कि ये कह लो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है तो उसके लिए वो कहना चाहिए कि उसको एट्रैक्टिव कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रख सकता है, या जो जॉब होती है उसको मेरिट के बेस पर असाइसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स थे एक ऑर्गेनाइजेशन के करियर प्लानिंग के। फिर लास्ट है हमारा रिलेशन। देखो अब करियर प्लानिंग से किसके रिलेशन अच्छे होंगे, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के रिलेशन इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है उसकी जो स्किल है उसको प्रॉपरली यूज़ की जा सकेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है और उसको बोल दिया गया कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा दो तो वो पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा या फिर कंप्यूटर पर वर्क करने में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ऑब्वियसली अगर उसको कंप्यूटर का काम ज़्यादा अच्छा आता है, उसमें जो स्किल है कंप्यूटर चलाने की स्किल है, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क कंप्यूटर चलाने में ही करेगा, पढ़ाने में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉय की जो स्किल है वो करियर प्लानिंग से एक एम्प्लॉयर जान सकता है कि एम्प्लॉय में कौन सी स्किल है और उसमें जो स्किल रहती है उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली यूज़ की जा सकती है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा फिर सक्सेशन प्लानिंग। देखो सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पोस्ट खाली होने वाली है, पहले से मतलब हमको पता तो नहीं रहता ना कि ये पोस्ट खाली ही होने वाली है फ्यूचर में, लेकिन अगर कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर पहले से प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में CEO की पोस्ट अगर खाली हो गई किसी भी रीज़न से, अगर CEO रिटायर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, बहुत सारी अगर एग्जिट कर लिया, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिस कारण से वो मतलब रिटायर हो मतलब एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो उसकी पोस्ट को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पहले से प्लानिंग करता है कि अगर वो पोस्ट खाली हो गई तो हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको ही पहले से ट्रेंड करके रखा जाता है, उनको पहले से वो स्किल एबिलिटी उसके अंदर डाल दी जाती है कि वो CEO की पोस्ट को संभाल सके या जो भी पोस्ट खाली होती है उस पोस्ट को वो संभाल सके, इतना उसको रेडी करके पहले से रखा जाता है। तो ये होती है सक्सेशन प्लानिंग। फिर है हमारा करियर मैनेजमेंट। देखो करियर मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है ये भी जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को, प्लान को, स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर सकती है, अलाउ कर सकती है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय रहता है उसकी नीड्स फुलफिल हो जाती है और जो इंडिविजुअल है वो भी अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकता है। फिर यहाँ पर स्टेप्स इन करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग की क्या स्टेप होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल। देखो किसी भी इंडिविजुअल का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है कि उसके अंदर कौन सी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है। ठीक, यहाँ पर फिर सेकंड है हमारा एनालिसिस इंडिविजुअल करियर अपॉर्चुनिटी। किसी भी इंडिविजुअल को अपने करियर को प्लान करते टाइम, मतलब अपने करियर की प्लानिंग करते टाइम उसको कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसको दोनों पहलुओं से सोचना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी सोचना चाहिए और जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में
भी सोचना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इम्प्लॉय अगर जा रहा है या कोई कैंडिडेट जा रहा है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है, या फिर ऐसा होता है कि वो अपना खुद का जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसमें वो भी बहुत अच्छा अपना करियर बना सकता है। तो उसको दोनों टाइप से, दोनों मतलब करियर जब प्लानिंग करता है तो दोनों टाइप से उसको सोचना चाहिए। फिर यहाँ पर है एनालिसिस इंडिविजुअल नीड्स। देखो अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल की नीड्स कैसी हो सकती है, जैसे कि इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसकी स्किल एबिलिटी, उसने ट्रेनिंग अभी तक क्या क्या चीज़ें अचीव किया है, यहाँ पर इस चीज़ को एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि उसने जैसी चीज़ें अचीव किया होगा उसी के बेस पर उसका करियर बनेगा। फिर है गोल फॉर्मेशन। गोल फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो कुछ गोल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाते हैं और कुछ गोल ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भी अचीव हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि आप बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाह रहे हो तो ये आपका ये लॉन्ग टर्म गोल है जो अचीव होगा, और अगर आप मान लो कि कोई छोटी शॉप खोलना चाहते हो तो ये शॉर्ट टर्म गोल है जो जल्दी से अचीव हो जाएगा। फिर है यहाँ पर करियर स्ट्रेटजी। करियर स्ट्रेटजी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कोई एम्प्लॉय है, अब उसने सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर उसका एनालिसिस कर लिया गया, यहाँ पर उसने इंटरनल और एक्सटर्नल सोच लिया अपने करियर के बारे में, फिर यहाँ पर उसके क्वालिफिकेशन चेक कर लिए, यहाँ पर उसने फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल सोच लिया। फिर यहाँ पर है करियर स्ट्रेटजी। करियर स्ट्रेटजी में ये होता है कि अब उसने प्रॉपर अपने करियर में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस पाथ पर उसको चलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों की यहाँ पर वो स्ट्रेटजी बनाता है कि मैं कैसे अपने करियर, अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, मुझे कौन से पाथ पर चलना है, कौन से डायरेक्शन पर चलना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो ये था स्टेप्स इन करियर प्लानिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।